नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। रीवा वन मंडल के वनकर्मियों ने 32 प्रजातियों के 1058 किलोग्राम बीज जुटाए हैं। इन बीजों को नर्सरियों और विद्यालयों को बांटा जाएगा, पौधारोपण के लिए दिया जाएगा। इन विभाग ने बीजों को बांटने के लिए खास इंतजाम किए हैं। पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए इसमें विद्यालयों की भी सहभागिता को बल दिया गया है। यही वजह है कि जैव विविधता दिवस के अवसर पर लाखों बीज जुटाए जा चुके हैं। यह बीज विस्तार वानिकी नर्सरियों कुछ विद्यालयों को पौधा उगाने हेतु निःशुल्क दिए जा रहे हैं। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अप्रैल माह एवं मई माह के पहले हफ्ते तक रीवा वन मंडल के मैदानी अमले ने कुल 32 प्रजातियों के 1058 किलोग्राम बीज का संग्रहण किया। इन बीजों में बहेड़ा, हर्रा, सीरस, आंवला, अमलताश, शीशम, सागौन, अर्जुन, करंज, इमली, हल्दू, दूधी, बीजा, चिरोल आदि प्रजातियां शामिल हैं। रीवा वन विभाग के वनकर्मियों का यह प्रयास जैव विविधता संरक्षण और जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय कदम है। और उसमें कई तरह के बीज ऐसे हैं जो अपने यहाँ जमा किए गए, उनका उद्देश्य क्या है? रीवा वन मंडल में विगत एक माह से, इनफैक्ट मोटे मोटे तौर पर डेढ़ माह हो गया है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार लगभग सभी मैदानी वनकर्मियों ने गर्मी के सीजन में जो बीज गिरते हैं पेड़ों से वो संग्रहित किए थे। और कुल मिला के 15 दिन पहले तक का जो डेटा है उसमें लगभग 32 प्रजातियों के 1000 किलो से ज्यादा बीजों का संग्रहण हुआ है। इन बीजों में या इन प्रजातियों में कई ऐसी प्रजातियां भी हैं जो RET प्रजातियां बोला जाता है, रेयर, एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड। इसमें जैसे हल्दू हो गया, बीजा हो गया और शीशम हो गया, सिरस हो गया या हर बहेड़ा, आंवला हो गया, तो इस तरह की कई प्रजातियां हैं। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि जैसा आज जैव विविधता दिवस भी है और जिसकी थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, या हम भी योजना का हिस्सा बने। कौन सी योजना? ऐसी योजना जो जैव विविधता के लॉस को एड्रेस करे, तो उसी डायरेक्शन में हमारा ये काम था। और इसमें हम आगे बढ़ के ये करेंगे कि रोपणियों में हम वो बीज उपलब्ध करा रहे हैं जो हमारे वन विभाग की है और वो निःशुल्क हम उपलब्ध करा रहे हैं। इससे उन RET प्रजातियों के पौधे विकसित किए जा सकते हैं। उसके अलावा ये बीज कुछ स्कूलों और कॉलेजेस में भी निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान रखा है। अभी तक सिर्फ एक ही कॉलेज के प्रोफेसर का हमारे पास में निवेदन आया है। बाकी आगामी कुछ हफ्ते गर्मी के महीनों में भी बीज संग्रहण कंटिन्यू चालू रहेगा।